ये वही भारत है, वही आधुनिक भारत है जिसकी कल्पना गांधी जी ने की थी, जिसमें हम पी रहे हैं। क्या आधुनिक भारत सही है जिसकी कल्पना गांधी जी ने या हमारे पूर्वजों ने की थी? मैं फिर कहूं आधुनिक भारत की नींव या उसकी शुरुआत आजादी से 3-4 दशक पहले हो। सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने किया विश्व विकास शुरुआत, दूसरा नारी शिक्षा, तीसरा अछूतोद्धार, चौथा स्वावलंबन, पांचवा गांव में जो किसान है वो आर्थिक रूप से संपन्न और ये चलता जिसे अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान से उद्योग को समाप्त कर दिया था और चरखा पाचन शक्ति से उद्योग स्थापित करने के बाद गांधी जी ने की थी, जिसकी स्थापना आजादी से 3-4 दशक पहले शुरुआत कर दी गई थी। और लेकिन वो भारत गांधी जी का भारत वो है जिसमें भाईचारा है, जिसमें प्रेम है, जिसमें सदाचारता है, जिसमें हिंसा नहीं है, जिसमें ईमानदारी है, जिसमें धर्मांधता नहीं है, पड़ोसी देशों के साथ स्वभाव संबंध है, ये गांधी जी की कल्पना है। लेकिन आज क्या हम उस जगह खड़े हैं जहां गांधी जी ने कल्पना की थी? क्या आज हमारे बीच में हिंसा और डर का वातावरण नहीं बनाया जा रहा है? आज सारे लोग फैक्ट्री हैं जिसके बारे में अक्टूबर में कहा 20 जनवरी को बम फेंका गया था गांधी जी के प्रार्थना सभा में, फिर भी उन्होंने सुरक्षा करने से न केवल इनकार किया बल्कि जो प्रार्थना सभा में आने वाले लोग हैं उसके भी शारीरिक परीक्षण करने के लिए भी उन्होंने मना कर दिया था सरकार पर। और आज जैसे मैं मुख्यमंत्री बना हुए घूम रहा हूं तो सबसे पहले मुझे नगरे में गांधी जी इंदिरा जी और राजीव जी की हत्या के बाद आज सारे नेता सुरक्षा के घेरे में है। आज स्टेटस सिंबल भी हो चुका है कि किस नेता में कितनी सुरक्षा है, किसके पास बाइक नहीं है, किसके पास जेट नहीं है, किसके पास जेट ना है, किसके पास पता नहीं क्या। दूसरे तरफ आज बात हो रही है पत्रकार सुरक्षा कानून बनना चाहिए, पत्रकार डॉक्टर को भी बात करने लगे हैं कि हमारे लिए भी सुरक्षा का अनुभव होना चाहिए। तो सारे लोग असुरक्षित होने जा रहे हैं, नेता असुरक्षित है, पत्रकार असुरक्षित है, डॉक्टर असुरक्षित है, हिंदू असुरक्षित है, क्रिश्चन असुरक्षित है, मुसलमान असुरक्षित है, ये सुरक्षित कौन है? लेकिन आज हिंदुस्तान में जो धर्म के नाम से जो
जातिवादी विचार रखते हैं, लेकिन नारी के रास्ते से कितने लोग चल पा रहे हैं? सवाल गांधी जी आपको हिंसा करने नहीं कहा, गांधी जी ने आपको असत्य कथन करने के लिए नहीं कहा, लेकिन गांधी जी अन्याय अत्याचार का प्रतिरोध करने कहा। और आज हिंदुस्तान में कितने लोग प्रतिरोध करने के लिए तैयार हैं? नहीं चाहते थे, क्यों गांधी जी हत्या करना चाहते थे, क्यों गांधी गांधी को
बचत लोगों के पास कुछ भी नहीं था, उनके पास खाने के लिए, उनके पास पहनने के लिए, उसके शिक्षक के लिए, उसके न मंदिर प्रवेश किए जा सकते, घर की जिंदगी भी रहते और गांधी ने हजारों हजार जब तक
किसान के आपको मजबूत होगी, आप शुद्ध भोजन मिलेगा, आज दुनिया भर की हमारी
सोलह भी नौ आज छत्तीसगढ़ में दर्शन को ग्रहण करके तुम हम आपको नहीं दे सकते हैं। हमने अभी 2000 गाँव में जाके दिया, 1500 गाँव में हमने गौधान बना लिया है, लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। यदि 3 एकड़ या 5 एकड़ में घेरा कर लें तो हमको गाँव में हजार चलिए अब रुख करेंगे कर्नाटक एक्सप्रेस।